अगली खबर है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां मनगवा प्रयागराज मार्ग पर स्थित सुहागी पहाड़ पर लगातार हादसे हो रहे हैं। यहां हर माह 2 से 4 यात्री सड़क दुर्घटनाओं के चलते असमय मौत के शिकार हो जाते हैं, लेकिन इन मौतों पर नियंत्रण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। घटनाओं के बाद प्रशासन पहुंचता है, फोटो खिंचवा कर इतिश्री कर लेता है। मीडिया के द्वारा कई बार अधिकारियों को नींद से जगाने का प्रयास किया गया, लेकिन घटना के समय तो इनकी नींद खुलती है, इसके बाद फिर चिर निंद्रा में सो जाते हैं। लगातार हो रही मौतों पर अब विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी सवाल उठाए हैं। कलेक्टर से तकनीकी रिपोर्ट तलब कर उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराने की बात कही है, लिहाजा उम्मीद है कि हादसों का यह डेंजर जोन बन चुकी सड़क को सही किया जा सकता है। सुहागी में हादसों की बात करें तो गत दिवस हैदराबाद से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जा रही यात्री बस की ट्रक से टक्कर हुई, जिसमें 15 यात्रियों की जानें चली गई, जबकि 40 यात्री घायल हुए थे। इसके पहले भी कई घटना घटित हुई और लोगों की जानें गईं, पर प्रशासन की नींद नहीं खुली। सुहागी टोल प्लाजा में 4-पहिया वाहन ब्रेक फेल होने के कारण डिवाइडर से टकरा गया और 2 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। कुछ समय पहले ही सुहागी पहाड़ में उतरते समय ट्रक का ब्रेक फेल हुआ और टोल प्लाजा के कर्मचारियों को कुचलता हुआ निकल गया। हादसे में 4 लोगों की जाने जा चुकी है। इतना ही नहीं, 4 माह पूर्व सुहागी पहाड़ से नागपुर से प्रयागराज जा रही यात्री बस का ब्रेक फेल हुआ था, डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए थे। सुहागी पहाड़ टोल प्लाजा से 4-पहिया वाहन ब्रेक फेल होने से डिवाइडर से टकरा गई थी। 10 फीट में चलने के बाद में डिवाइडर से गिरी, जिसमें से मौतें हो चुकी हैं। सुहागी पहाड़ में दाल से लोड ट्रक का ब्रेक फेल होने से पलट गया था, जिस हादसे में खलासी की मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, उक्त घटनाओं के अलावा कितने बार आगजनी और मौतों का तांडव हो चुका है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने अपने आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सुहागी पहाड़ में एक ही जगह पर बार बार हो रहे हादसों पर चिंता व्यक्त किया है। श्री गौतम ने बताया कि ढलान और मोड़ के चलते हादसे हो रहे हैं, सड़क का लेवल भी ठीक नहीं है। कलेक्टर जल्द सड़क सुरक्षा समिति की बैठक व विशेषज्ञों से सुझाव मांगेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि घटनाएं तो सैकड़ों हो चुकी हैं, सैकड़ों बार बैठक हो चुकी है, लेकिन नतीजा जस का तस है। अब विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम कितनी गंभीरता से लेते हुए इन सड़क हादसों को रोकने का प्रयास करते हैं, वह तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। आइए सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने क्या सवाल खड़ा किया है। शुभकामनाएं, और रीवा में बड़ी दुर्घटना हुई है, उसके लिए एक तरह से ये कहा जा सकता है कि बड़ी दुखद घटना है, जिसमें से 14 लोगों की मृत्यु होना और करीब 30 से 35 लोग घायल होना, तो वाकई में दुखद घटना है। इस अवसर पर जब हम दीपावली की खुशियां मनाने जा रहे हैं, ऐसी प्रकृति का प्रकोप हुआ जिसके कारण ये घटना घटी यहाँ पर। और मैं आज अस्पताल गया था, उसमें देखा मैंने लोगों को, ये ज़रूर हुआ है कि ये बड़ी बात हुई है कि प्रशासन ने थोड़ा सा तीव्रता से काम करने के कारण बाकी कैजुअल्टी होने से हमने बचा लिया और व्यवस्था भी ठीक ठाक हो गई। तो केवल उसके शोक ही व्यक्त कर सकते हैं। वो सारे के सारे लोग उत्तर प्रदेश के थे और आंध्र में हैदराबाद से चले हुए थे गाड़ी से, उसमें कुछ नेपाल के हैं, कुछ बिहार के हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के हैं, और ये हादसा हो गया। ये दुखद घटना पानी, उसके लिए शोक भी कर सकते हैं अपन, और दीपावली है उसके लिए शुभकामनाएँ देते हैं सबको। और कोई प्रश्न हो तो बस। हैदराबाद से इलाहाबाद गोरखपुर जा रहे थे, लगभग इसकी दूरी 1500 किलोमीटर होती है। रीवा से हैदराबाद 1007 किलोमीटर है, और हैदराबाद से गोरखपुर की दूरी जितनी होती है उसमें लगभग 36 से 37 घंटे लगते हैं, मैंने 1.5 से 1.25 दिन। जो ड्राइवर को कमी आ जाए, उसको रेस्ट नहीं मिलता है। ये घटना जो हुई है तो कहीं ऐसा ना हो कि झपकी लग गई हो। इस तरह के परमिट जो जारी होते हैं सरकार की ओर से, क्या ये जाए हैं? नहीं, उसमें 2 स्थितियाँ, एक तो ये है कि जो घटना का समय है उस समय झपकी लगने का कोई ऐसा लगता नहीं है कि वो समय है। अभी मैंने आज कलेक्टर SP मेरे साथ थे, मैंने उनको कहा कि रोड सेफ्टी जो अपना एक बनती है उसकी बैठक बुलाओ और उसकी जांच करने, हाँ सड़क सुरक्षा का बनता है कमेटी रहती है उसकी,
उसमें बड़े अधिकारी रहते हैं, तो उनको कहा कि उनकी बैठक बुलाओ और उसका परीक्षण करने की आवश्यकता कि आखिरकार वहीं क्यों एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो प्रोन जोन क्यों है, मतलब दुर्घटना का स्थान वो क्यों है, बार बार क्यों बना हुआ है। और अभी जो सामान्य तौर पर जो हमारे स्तर के जो इंजीनियर हैं उनकी जो रिपोर्ट है, उनसे जब बातचीत मैंने की है, उस बातचीत से ऐसा लगता है कि वो जो सड़क है, सड़क में एक तो सीधा ऐसा करके टर्निंग है और एक टर्निंग के साथ ऐसी टर्निंग है, आप समझना, सड़क एक तो ऐसे टर्न हो रही है और वो सड़क भी ऐसी है, तो ज़रा भी स्लिपिंग होने पर वो बैलेंस से बाहर हो जाता है। दूसरा ये कि सामने जो पहाड़ का पोर्शन दिखता है, पहाड़ का पोर्शन हो जाता है, तो उससे भी थोड़ा सा ड्राइवर को कई बार असुविधा हो जाती है उसको टर्न करने में या सामने में दिखाई पड़ने में। तो ये कहा कि उसका परीक्षण हो जाए, परीक्षण करके उसको देख लिया जाए और उसमें से क्या व्यवस्था बन सकती है तो उसके हिसाब से करेंगे, सरकार से सीएम साहब से बात करेंगे, उसका कुछ न कुछ हो जाए। जैसे आप चुहिया घाटी वाला बार बार जो हो रहा था, उसको भी ये हुआ कि नई सड़क बनाओ या वाली, उस तरह से क्या बन सकता उसको देखते हैं। एक प्रस्ताव ये भी था कि वहाँ भी सुरंग टैनल कुछ बन सकता क्या, तो वो सारी चीज़ें जब वो उनका रोड सेफ्टी वाला हो जाए तभी वो बनना है कि क्या करना। पहले तो विधायक की हैसियत से केवल लड़ते थे, सब करते थे, अभी एक जो चीज़ें हैं इनकी जो नॉर्म्स एंड फॉर्म्स हैं, मंगमा में प्रोन जोन है आपका, वो जो त्यूनी वाली सड़क आती है वहाँ पर एक्सीडेंट बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो मैंने जब मांग की उसमें, तो फिर एक जांच कमेटी गडकरी साहब से मिले और उनसे बातचीत की, बातचीत करके आया तो एक जांच हुई। जांच में उसका है कि व्हीकल कितने चलते हैं, तो जैसे 10,000 यदि व्हीकल चल रहे हैं तो 10,000 व्हीकल का 10% लगा करके उसकी संख्या करीब 3,000 के आसपास आती थी, तो 3,000 भी नहीं होना, कम से कम जब 10,000 होगा तब वो ब्रिज बनेगा। तो हमारे सामने समस्या होगी, जब हमने सर्वे कराया था तो उससे नहीं फिट हुआ। फिर मैंने कहा कि कोई ऐसा प्रोविज़न लाओ जिससे इसके अतिरिक्त होता हो, तो उसमें एक कालम लिखा हुआ है, कालम ये लिखा हुआ है कि एक्सीडेंट डेथ कितनी हो रही है, तो फिर ये नाम से नहीं लगेगा। तो फिर मैंने SP को कहा, पूरे FIR निकलवाई, तो 2 साल के भीतर 65 डेथ हो गई थी, 65, आप समझना, 65 डेथ हो गई थी और उसमें से FIR करीब 100 के आसपास है जिसमें इंजर्ड है। तो जब हमने ये प्रस्ताव करके फिर से भेजा तो वो मान लिया कि हाँ ठीक है, अब वो मंजूर हो गया, इसी महीने मैं उसका भूमि पूजन करने जा रहा हूँ। हाँ, बन गई ब्रिज, बन रही ओवर ब्रिज, बन रही है फ्लाई ओवर नहीं, ओवर ब्रिज बन रही, तो वहाँ ओवर ब्रिज। इसी तरह से वहाँ भी देखना पड़ेगा कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह होती है जिसके कारण से, यदि ऐसा आएगा कि रोड सेफ्टी का मानदंड आ जाए, गाड़ियाँ चलने का ना भी हो पर ऐसा कुछ करके आ जाए, तो उसको ठीक किया जा सकता है। ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि प्रकृति के कारण ही है, मानवीय कारण भी हो सकते हैं या हमारा टेक्निकल कारण हो सकता है। और दूसरा ये हो गया कि पहले क्या था कि जब पहले पुरानी सड़क थी, आपने देखा होगा, अपन ऐसा करके ऐसा उतरते थे, अब नीचे एकदम पहले से नीचे चले गए और पहले से स्पीड बढ़ाने का मौका मिल गया अपने को। बैरियर से जैसे बैरियर आप निकलते, उसके बाद से आप देखेंगे कि बैरियर निकलते ही पूरी सड़क चौड़ी हो गई है और काफ़ी स्पेस हो गया है, तो गाड़ियों की स्पीड अपने आप ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर, एक ये भी कारण। तो इन चीज़ों के लिए कहा है, उसको देखते हैं क्या हो सकता, करेंगे उसको करने का प्रयास। जनपद नई गढ़ी क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी के ऊपर ढेर सारी कृपा करे और धन्यवाद। समस्त मध्य प्रदेश वासियों को, बिंद वासियों को, रीवा वासियों को और नई गढ़ी जनपद के सभी पूजनीय जनों को, प्रिय जनों को और छोटे भाइयों को, माताओं को, बुजुर्गों को, व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे रहे और आप सब खुशहाल रहें, आपकी खुशी, आपका सुख ही हमारा और हमारी टीम का एक संकल्प। एक बार फिर अगस्त क्रांति मंच की ओर से और भारत जोड़ो देवतलाव विधानसभा टीम की ओर से
हिंद, जय बिंद, जय दस्त क्रांति।